डूंगरपुर जिले का सागवाड़ा शहर जन अनुशासन पखवाड़े के तहत 11 बजे के बाद जितना शांत और सन्नाटे भरा नजर आ रहा है उतना दरअसल में है नहीं। अभी भी व्यापारी अपने प्रतिष्ठान को चोरी छुपे जारी रख रहे हैं। नगर पालिका सागवाड़ा द्वारा की गई कार्रवाई में जिला अस्पताल के नजदीक ओह गर्ल्स मेकअप स्टूडियो एवं दुल्हा हाउस को सील कर दिया गया। दुकानदार अपनी दुकान का शटर बंद कर अंदर ग्राहकों को कपड़े बेचते हुए पाए गए। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज। थाना अधिकारी अजय सिंह राव ने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जो व्यापारी अपने घर पर ग्राहकों को बुला रहे हैं वे गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। इधर उपखंड अधिकारी राजीव द्विवेदी ने सुथारों का नोहरा सागवाड़ा में कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना करने पर एक शादी समारोह में 30,000 रुपए का चालान काट कर दंडित किया। सुथार समाज के शादी समारोह में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने पर 30,000 रुपए का चालान काटा गया है। इस अवसर पर थानाधिकारी अजय सिंह राव भी उपस्थित थे। इधर आसपुर कस्बे के तहसीलदार वीरेंद्र सिंह व आसपुर पुलिस उप निरीक्षक हरी सिंह व कांस्टेबल लोकेंद्र सिंह की टीम के द्वारा राज्य सरकार की कोरोना गाइडलाइन अवहेलना करते हुए पाए गए व्यापारियों की दुकानों को सीज कर दिया गया है। कोठारी एंड सन्स न्यू वेलकम क्लॉथ सेंटर जोधपुर मिष्ठान भंडार परफेक्ट फोटो मोबाइल को सीज किया गया व गगन ट्रेडिंग कंपनी को 500 रुपए का चालान काट कर व दिनेश कुरीचंद को 200 रुपए का चालान काट कर दंडित किया गया है। आसपुर से रिपोर्टर प्रवीण कुमार कोठारी की रिपोर्ट। सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।